मैं इसे दो तरीका से बनाऊंगा, आपको दोनों में से जो तरीका अच्छा लगेगा वो आप बना देना एग्जाम में, ठीक है, या कोई पूछे तो। सबसे पहले इसे सॉल्व करके एन का मान इसमें से खींचना है, यानी कि इसको सॉल्व करके इसमें से एन का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है, फर्स्ट में तो रही, फिर देन मैं यहां पे बनाऊंगा सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड। पहले देखते हैं पहला तरीका, मेथड मतलब तरीका, ढंग, विधि। तो यहां पे मैं उतारूंगा क्वेश्चन, ठीक है, बराबर, या आप यहां भी दे सकते हो, ये बराबर हो गया, इसे कर देते तो यह होता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी आपका मर्जी, नौ को मैं लिख सकता हूं थ्री का स्क्वायर, तीन को दो बार लिखेंगे तो नौ आएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू इसको वही का वही उतार देंगे, तीन का पावर एन, यानी कि थ्री रेशियो का पावर एन या थ्री ओवर एन, ठीक है। फिर इसको ऐसे करके मैं उतार दूंगा। अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला एक लर्न करना पड़ेगा। देखिए एक चीज मैं आगे बताने जा रहा हूं, आप एकदम गौर से सुनिए, इसका बेसिक चीज सब मैं बहुत सारा बता चुका हूं, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो आपको अगर हो सके तो सेवंथ एर्थ के पहले लिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सेवंथ और एर्थ के पहले लिस्ट में आप जाओगे ना, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन से बताया हुआ ना, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा डीप में बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप सेवंथ एर्थ के पहले लिस्ट में जाओगे, एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड वीडियो सब होगा, उसको आप देखोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा, वास्तव में नॉलेज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो आप उसको देखना, क्योंकि एक ही चीज को मैं हर एक वीडियो में नहीं बताऊंगा, दिक्कत हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लियर ना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, सेवेंथ और एर्थ का प्ले लिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, काफी सारा आपको नॉलेज गेन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक का पावर है और एक का पावर है, एक का पावर एम और इंटू एक का पावर एन, तो क्या होता है, गुना में पावर जुड़ता है, इसको आधार या बेस बोलते हैं, इसको भी आधार या बेस बोलते हैं, आधार बेस सेम होता है ना, तो एक ए दे देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ये वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखिए ये तीन है, ये तीन है, यहाँ पे देखिए ये ए है, ऊपर में दो है तो यहाँ भी एम है, ये इंटू है तो ये भी यहाँ पे इंटू है, फिर ये दोबारा वही रिपीट करके तीन है, ये भी ए यहाँ पे है तो ये भी रिपीट करके वही का वही है, एन है तो यहाँ भी एन है, यानी कि एन के जगह पर यहाँ भी एन है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए, दो ए है तो एक ए दिए, दो तीन है तो एक तीन देंगे, क्लियर। अच्छा ना, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि एम एन को जोड़ा है ना, तो यहाँ भी जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर एज इट इज वही का वही उतार देंगे, क्लियर। देखिए क्या होता है ना, इधर आधार बेस सेम है, इसको आधार या बेस बोलते हैं, तो इधर भी आधार या बेस सेम है और बराबर है, तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना कि बराबर है दोनों तरफ आधार या बेस सेम रहे तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर में ये बचा, क्लियर, और बराबर ये छह बचा। अब आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आना चाहिए, यानी कि इक्वेशन सब आपको आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है, ये तो दिक्कत हो जाएगा आपको, इक्वेशन आना चाहिए। तो आप जिसका वैल्यू निकालते हैं कोई एक तरफ रखते हैं, तो एन का वैल्यू निकालना है तो एन को मैं इधर रखता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे छह तो छह, क्लियर, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस अगर बराबर इधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, क्लियर, फिर एन का वैल्यू जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्लियर, योगी एन का मान फोर हो जाएगा, यानी कि एन का वैल्यू, देखिए थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, वैसे आपको इक्वेशन आएगा ही नहीं, फॉर्मूला सब लड़ने नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको बनाने में, तो कंसेप्ट आपको हो जाना चाहिए क्लियर, नहीं तो ये सब सवाल आप नहीं कर सकते। अब इक्वेशन नहीं आएगा तो आप इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे, तो टू प्लस एन को मैं उतार लिया बराबर छह, तो एन का वैल्यू निकाल दें, अब सॉरी प्लस तो नहीं दिए, देखिए कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है इसलिए नहीं दिए, ठीक है, कुछ नहीं रहता है शुरू में प्लस रहता है, फिर ये छह है, फिर प्लस बराबर किधर चला गया तो माइनस, माइनस बराबर किधर रहता चला जाता तो प्लस रहता, लेकिन अभी यहाँ पे प्लस है इधर, इसलिए इधर चला गया तो माइनस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन, एक ही बात है, ट्रांसपोजिशन हिंदी में पंचांतरण या स्थानांतरण, ट्रांसपोजिशन की है, क्यों, क्योंकि प्लस बराबर इधर चला गया तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, ऐसे करके निकल गया एन का मान चार, ओके। अब आप यहाँ पर एन के जगह पर चार रखोगे ना तो इधर जो वैल्यू आएगा ना, इधर भी तोड़ तार के वही वैल्यू आएगा, तो ये इक्वल होगा ये, इसलिए बराबर है यहाँ पे, क्लियर। अच्छा ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, एंड द सेकेंड मेथड में कैसे बनाएंगे, इसको मैं इसे करके उतार दूंगा,
ऐसे करके उतार दूंगा, इसको मैं उतार दूंगा। ना अगर आपको इक्वेशन आता होगा, देखिए इक्वेशन को आप कैसे बनाते होगे, इस सब टाइप का, ठीक है, ऐसे करके आता है, यहाँ पे गुना है, तो एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये ऊपर देते हो, ये नीचे देते हो या ना, ऐसा ही करते हैं ना। चलिए, मतलब ये बेसिक वाला है, अब इसके इसे हार्ड भी आता है, ईजी भी आता है इस टाइप का, ठीक है, ये थोड़ा ईजी वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसको रिलेट करो, देखो यहाँ पे इसको रिलेट करो, देखो क्या है, 9 है तो यहाँ पे 5 है, इंटू है तो यहाँ पे इंटू है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। फिर ये है तो यहाँ पे एक्स है, तो कहने का मतलब है जब हम एक्स का वैल्यू निकाले तो ऊपर ये नीचे आती है ना, यहाँ पर भी जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, 3 का पावर n का निकालेंगे, तो इसको मैं इसे देखिए, ठीक है, इसको ऊपर नहीं कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर आराम से कर सकते हैं, सेम टू सेम इसके जैसा, यानी कि अगर ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता तो पी का वैल्यू निकालते थे, 18 कहाँ गया, ऊपर, और ये 9 नीचे जाता, यानी कि इसको क्या करते हैं, ऊपर और इसको नीचे करते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसको सेम टू सेम उतार देंगे, अब 9 को मैं लिख सकता हूँ ना, 3 का पावर 2, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं एज इट एक ये उतार सकता हूँ। अब इसके आगे मैं दो तीन तरीका से बना सकता हूँ, देखिए मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 का पावर 6 है, 6 है, 3 का पावर क्या है, 6 है, बटा कितना है, 3 का पावर 2 है, ठीक है, तो मैं इसमें ऐसे करके तीन तरीका से बताऊंगा। तो पहले देखिए, पहला तरीका इसको आप ऐसे करके काट सकते हो, ऐसे ऐसे करके, देखिए 6 में सब्जी गया तो 4, 3 का पावर 4 आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पाला गया। अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे, देखो 3 का पावर 6 दे दो, ठीक है, ये बट्टा है, बट्टा है, बट्टा है तो मैं भाग कर सकता हूँ, फिर इसको ऐसे करके उतार सकता हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये फॉर्मूला में क्या था, गुना था ना, इसी टाइप का एक और फॉर्मूला होता है, उसमें डिवाइड होता है, ठीक है, तो भाग में पावर घटता है, गुना में जुड़ता है, माइनस है, तो देखिए 3 का पावर 6, 1 का पावर है, डिवाइड डिवाइड, 3 का पावर 2 और 1 का पावर है, 3 3, यहाँ पे ए ए, 6 2, यहाँ पे एम है, डिवाइड डिवाइड, सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए बेस आधार क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 3 है तो 1 3, देखिए पावर घटाएं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी पावर घटाएंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक और होता है फॉर्मूला, सेम टू सेम ऐसा होता है, इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये है, ये डिवाइड है, डिवाइड है तो बटा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और दोनों का बेस सेम है, ये देखो दोनों का घटा सकता हूँ, अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों एक ही हुआ। देखिए आप कोई चीज़ को ऐसे लिखिए, कोई चीज़ को ऐसे लिखिए, एक ही बात है ना, इसको आप ऐसे करके कर सकते हैं, ये ठीक है। अब ये देखिए 3 है 3 है, यहाँ ए है, सेम टू सेम ये नहीं मिल रहा है इसके जैसा, ठीक है, 3 दे देंगे, दोनों को घटा देंगे, क्लियर, तीनों में से जो आपको पसंद है, ठीक है, क्लियर। तो आप या तो ये बना लो, या तो ये बना, या तो ये बना, जो मनो तो बना सकते हो, क्लियर, अच्छा से देख लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी मैं दे दूंगा, यही तरीका मैं बना देता हूँ, यही वाला, तीनों में से कोई भी आप हालांकि यूज कर सकते हो, मैं ये वाला करता हूँ, 1 का पावर m और 1 का पावर m, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके ये वाला करता हूँ, ठीक है, सब दूसरे मैच किया, 3 3, यहाँ पे ए ए, 6 2, यहाँ पे हमें मतलब सेम टू सेम, ये दोनों सेम है, इसमें ए बी सी डी सब है, इसमें अंक सब है, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे करके उतार दूंगा, 3 6 में से 2 को घटाऊंगा, क्लियर। फिर देखिए 3 का पावर n हो जाएगा, 3 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, फिर वही कॉन्सेप्ट जो मैं अभी फर्स्ट मेथड में बताया हूँ, देखिए 3 3 है तो कट गया ना, उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, इसको मैं क्या करूँगा, काट दूंगा, n का वैल्यू इधर भी क्या हो गया, 4 आ गया, हो गया, हम सर।